Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. O my Allah, increase my knowledge. Last English grammar में हम topic पढ़ रहे थे preposition का. कल topic continue किया था preposition का. Today we are continue this topic. कल मैंने आपको introduction दिया था इसका, ठीक है. तो जो preposition मैंने आपको word बताए थे कि in, on, at, different words मैंने आपको बताए थे preposition के, जैसे in है, preposition है, on, at, आफ्टर, नियर, ये सब मैंने आपको बताए थे. तो वन बाय वन मैं ग्रेजुअली इनका यूज़ आपको समझा रही हूँ, ठीक है. ध्यान से आपने लेक्चर सुनना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले ये फर्स्ट कॉलम में आपको प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, देन यूज़, और देन उसकी एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाएंगी. उसके अलावा मैं आपको सेंटेंस में भी इनकी एग्जाम्पल समझा दूँगी. सबसे पहले दिया हुआ है इन. इन का मतलब मैंने आपको बताया था, मे बताया था, लेकिन समटाइम्स सेंटेंस में मे की मीनिंग नहीं बन रही होती है, लेकिन ये यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है. समटाइम्स ऐसा भी होता है. अच्छा, ठीक है. देखिए, इन कहाँ यूज़ करते हैं, मंथ्स वगैरह की अगर बात हो रही हो, जैसे इन जुलाई, इन सितंबर, कायदे आज़म वॉज डाइड इन सितंबर, ठीक है. इस तरह से बात करते हैं तो ठीक है, इस तरह से बात करते हैं. तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, देर इज हॉट इन जुलाई, जुलाई में बहुत गर्मी होती है, ठीक है. इस तरह से बात करते हैं मंथ वगैरह की. उसके अलावा ईयर के साथ यूज़ होता है. इन 1985 पाकिस्तान केम इन टू बींग इन 1947, ठीक है. इस तरह से ईयर्स वगैरह की बात करते हैं तो उसके साथ भी इन लगाते हैं. अब सीजन्स वगैरह की बात करते हैं, इन समर, इन द समर ऑफ 69, ये सब जो विंटर वगैरह होते हैं. आई लाइक टू टेक कॉफ़ी इन विंटर, इस तरह से बात करते हैं. तो इन सब के साथ, सीजन्स वगैरह के साथ इन लगाएंगे, मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ, सीजन और पार्ट ऑफ द डे. जैसे इन द मॉर्निंग, यहाँ पर आपको मिसाल भी दी हुई है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम हैबिचुअल टू टेक टी इन द इवनिंग, इस तरह से बोलते हैं. आई एम हैबिचुअल टू टेक टी इन द इवनिंग, मैं शाम में चाय पीने की आती हूँ. I sleep 2 hours in the afternoon. मैं 2 घंटे सोती हूँ दोपहर में, ठीक है. इस तरह से बात करते हैं तो उस दौरान भी हम क्या यूज़ करेंगे, इन की यूज़ करेंगे, ठीक है. ड्यूरेशन, इन अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट, आई विल कम्प्लीट दिस वर्क इन 2 वीक्स, मैं अपना ये काम 2 हफ्तों में मुकम्मल कर लूँगी. इस तरह जब ड्यूरेशन बता रहे होते हैं, मुद्दत बता रहे होते हैं कि हम इतने वक्त में ये काम कर लेंगे, तो उस वक्त भी हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, इन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है. उस दौरान में हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ कर रहे होते हैं कि आई एम कमिंग जस्ट इन अ सेकेंड, इस तरह से बताते हैं. तो उस दौरान भी क्या यूज़ कर रहे होते हैं, इन यूज़ कर रहे होते हैं. उसके अलावा फिर आ जाता है एट क्या है, एट का भी यूज़. अच्छा, देखें, पार्ट ऑफ द डे के साथ, पार्ट ऑफ द डे, अगर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सब की बात हो रही है तो इन, लेकिन इसके अलावा अगर नाइट की बात हो रही है तो इन द नाइट नहीं बोलते, एट नाइट बोलते हैं, ठीक है. ये मॉर्निंग, आफ्टरनून वगैरह के साथ, इन पार्ट्स के साथ हम इन लगाते हैं. अगर सिर्फ नाइट की बात आएगी तो एट नाइट बोलेंगे. द पार्टी विल स्टार्ट एट नाइट, पार्टी रात में शुरू होगी. आई विल डू वर्क एट नाइट, मैं रात में काम करूँगी, ठीक है. तो नाइट के साथ एट लगाते हैं. उसके अलावा अगर कोई और पार्ट ऑफ द डे है तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे. मैं रात में पढ़ूंगी, मे ही यूज़ हो रहा है, लेकिन दोनों जगह पे प्रीपोजिशन का यूज़ थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है. मैं सुबह में पढ़ूंगी, आई विल स्टडी इन द मॉर्निंग. मैं रात में पढ़ूंगी, आई विल स्टडी एट नाइट. तो नाइट की बात होती है तो एट लगाते हैं, अगर उसके अलावा कोई और पार्ट ऑफ द डे है तो इन लगाते हैं. उसके अलावा टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे के साथ भी हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं. अगर एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है ना, एट 6 o'clock, एट ओ क्लॉक, एट 9 o'clock, 8:30, 9 o'clock, 9:30 बजे, जैसे आई विल रीच एट योर होम 8:30, मैं 9:30 बजे आपके घर पहुँचूँगी. इस तरह से एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है ना, तो उस वक्त क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं. लेकिन अगर सिर्फ ये बोला जा रहा है ना, आई हैव टू कम्प्लीट माई वर्क ऑन टाइम, सिर्फ अगर टाइम का वर्ड यूज़ हो रहा है, टाइम, ठीक है. अगर मैंने क्या बोला है, टाइम बोले, मैंने लिखा वही टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो उस वक्त मैं क्या बोलूँगी, ऑन टाइम बोलूँगी, ठीक है.
अगर मैंने एक फिक्स टाइम नहीं बताया, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, सिर्फ टाइम कहा है कि मुझे वक्त पर ये काम करना है, आई हैव टू वर्क ऑन टाइम, तो उस वक्त ऑन यूज़ होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है 6 o'clock, 5 o'clock, 2:15, इस तरह से अगर टाइम बताया जा रहा है, एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है, तो उस वक्त क्या यूज़ करते हैं, फिर इट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सेलिब्रेशंस ऑन, आई विल इन्वाइट यू एट माई बर्थडे, मैं आपको अपने बर्थडे पर इन्वाइट करूँगी, इस तरह से सेलिब्रेशंस वगैरह होती हैं। एट पार्टी, तो उसमें भी हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एट यूज़ करते हैं। फिक्स्ड फ्रेसेस, जो फिक्स्ड फ्रेसेस होते हैं, जैसे ईडियम्स वगैरह, मावे वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, तो उनमें जो ये ईडियम्स होते हैं उसमें भी ये फिक्स होते हैं, एट द सेम टाइम, उसी वक्त। जैसे आपने वो पढ़ा था गुड एट, एक पढ़ा था गुड एट, इसी तरह से कॉपरेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था, याद है, बैड एट, सॉरी बैड एट। अब जैसे मैं ये कह रही हूँ कि मैं खाना पकाने में बहुत अच्छी हूँ, मैं लिखने में बहुत अच्छी हूँ, आ तो मे का वर्ड रहा है, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, एट। ठीक है, तो ये फिक्स्ड फ्रेसेस होते हैं कि आई एम गुड एट, गुड एट मतलब अच्छा होना, बैड एट मतलब बुरा होना, बुरी आदत बताते हैं। जब आई एम बैड एट राइटिंग, आई एम बैड एट लर्निंग, मैं याद करने में बुरी हूँ। ठीक है, इस तरह से फिक्स्ड फ्रेसेस के साथ ये यूज़ होता है। उसके अलावा आपको ऑन का यूज़ दिया हुआ है। अच्छा, डेज ऑफ द वीक की बात होगी तो संडे, फ्राइडे, सैटरडे, आई विल कम ऑन संडे, मैं संडे को आऊँगी। ठीक है, आई विल मेक हॉलीडे ऑन फ्राइडे, मैं फ्राइडे को छुट्टी करूँगी, इस तरह से। डेट वगैरह की बात हो रही है, ऑन 25 दिसंबर, ठीक है, पाकिस्तान केम इन टू बींग ऑन 14 अगस्त, इस तरह से बोलते हैं। तो डेट वगैरह की बात हो रही है, डेज वगैरह की बात हो रही है, तो उस वक्त क्या यूज़ कर रहे होते हैं, ऑन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पेशल हॉलीडेज़ हैं उसके साथ भी ऑन यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके अलावा पार्टी वगैरह के, ऑन द मॉर्निंग ऑफ, स्पेशल टाइम बताया जा रहा है, पार्ट ऑफ द डे होगा तो इन, और अगर नाइट की बात हो रही है तो एट। ठीक है, और अगर मॉर्निंग वगैरह तो इन वगैरह यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर स्पेशल टाइम बताया जा रहा है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ सेप्टेम्बर, जैसे ये स्पेशल स्पेसिफाई कर दिया ये सेप्टेम्बर की सुबह, तो उस वक्त पे क्या यूज़ कर रहे होते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद मज़ीद क्या दिया हुआ है, आफ्टर, आफ्टर लेटर देन समथिंग, ये STH लिखा हुआ है, इट मीन्स समथिंग, सॉरी, मतलब किसी भी चीज़ के बाद, आफ्टर स्कूल, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, ये सब चीज़ें। तो इसके अब इस ये आफ्टर तक, यहीं तक, इन्हीं प्रपोजिशन की आपने प्रैक्टिस करनी है, इनका यूज़ याद रखना है, इनकी एग्जांपल्स वगैरह बना के देखिएगा। इस टॉपिक को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब प्रपोजिशन काफ़ी सारे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन है, जिनका यूज़ ज़्यादा होता है, वो सब हम देखेंगे वन बाय वन ग्रेजुअली, इंशाल्लाह टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।